दोस्तों ये हैं सांप के बच्चे अंडे, साइज कितनी थी इसलिए प्लीज़ दोस्तों ऐसे अंडे जब भी आपको दिखाई दें जो बंच में हो प्लीज़ दूरी बनाकर रखें, क्योंकि हो सकता है उसके आसपास कहीं नागिन बैठी हो जो कि आपके लिए जान को खतरा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बताता हूँ फिर मैं आपको। चलिए नमस्कार दोस्तों, आइए दिखाता हूँ एक अनोखा दृश्य। दोस्तों प्लीज़ हम लोगों को देखकर कभी कॉपी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में तो हमेशा खतरा बना रहता है। हम लोगों का जो लाइफ सर्कल होता है वो थोड़ा सा डेंजरस होता है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको अंजाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य होता है कि इन जीवों का बचाव हो, ये जीव बचें। कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि आप लोग बचें। दोस्तों कई बार हम सर्प मित्रों को बहुत सी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है जो एकदम बेबुनियाद है, निरर्थक है। मैं कई चुनौतियों का ऐसा, मैं ही नहीं मेरे जैसे सभी सर्प मित्र अभी फेस कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग आज भी जागरूक नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं हम पर ब्लेम लगा देते हैं। दोस्तों आप लोगों से विशेष निवेदन है कि प्लीज़ हम लोग जो कुछ भी बताते हैं वो प्रैक्टिकल होता है। मुझे भी स्नैक बाइट हो चुका है, मैं भी बचा हूँ, आज मैं आप सबके बीच खड़ा हूँ, मेरी वीडियोज़ में है भी, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। मुझे भी स्नैक बाइट हुआ था, तो मैं कहीं किसी ओझागुनी झाड़पों के चक्कर में नहीं रहा था, सीधा जिला अस्पताल गया था। मैं किसी देवी देवता का पूरी तरह से कहीं से भी कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भगवान को पूछता हूँ, प्रणाम करता हूँ, परंतु मैंने माना है, प्रैक्टिकली सही भी है, कि ईश्वर आस्था का विषय है और उसे आस्था में रखना चाहिए, हर चीज में नहीं। जब हमारे पैर की हड्डी टूटती है तो हम हॉस्पिटल ही जाते हैं दोस्तों, जब हमें किसी प्रकार की बीमारी होती है तो हम हॉस्पिटल ही जाते हैं दोस्तों, हम किसी ओझागुनी झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं रहते। अगर कुत्ता काट देता है तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, किसी बैल या गाय की ठोकर से हमारी हड्डी पसली टूट जाती है तो हम उस वक्त भी हॉस्पिटल ही जाते हैं। जंगली सुअर का या किसी शेर बाघ चीते का किसी के ऊपर हमला होता है, वो हॉस्पिटल ही जाता है। सिर्फ केवल ये एक जीव ऐसा है, सिर्फ एक ये सांप ऐसा है जिसके काटने पर लोग ओझागुनी बन जाते हैं और वो आप लोगों का इलाज करते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। कितनी बार समझाएं कि स्नैक बाइट हमेशा 100% रियल बाइट नहीं होती है। ये काटेगा, जहर छोड़ेगा, इसकी कोई 100% गुंजाइश नहीं होती है। कई बार ये जहर नहीं छोड़ते हैं, ड्राई वाइट होती है, ये प्रैक्टिकली सही है। और जो ड्राई वाइट होती है, ड्राई वाइट का मतलब होता है कि काटता है लेकिन जहर नहीं छोड़ता, वो पेशेंट बच जाता है। और जिसको रियल वाइट होती है वो पेशेंट मर जाता है, सिर्फ एक कमी की वजह से, झाड़ फूक की वजह से। और वहां पर भी क्या कह दिया जाता है कि इसको पाप की डाल से काटा था इसलिए वो मर गया। दोस्तों निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज इतना अधिक अंधविश्वास के चलते, इतना अधिक अंधविश्वास में मत जिए, दुख होता है। आइए हम रिलीज का सिलसिला जारी करते हैं और इन जीवों को बचाते हैं। प्लीज दोस्तों हमारा साथ दीजिएगा।